के बयान पर पलटवार करते हुए मीसा भारती ने कहा कि वे अब पूरे जिले के सांसद हैं, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, समाज को बांटने वाला ये बयान है। क्यों उनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है जबकि वो जीते भी हैं और एक तरह से कहा जाए कि उस क्षेत्र की जितनी भी जनता है उसका उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, और इस तरह से अगर समाज में इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं, समाज को बांटने की बांटने वाले बयान को वो क्यों दे रहे हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अपनी बात रखी है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव को लेकर कटुता भरा भाव होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री, मंत्री या सांसद पूरे समाज के होते हैं। वहीं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर भी राबड़ी देवी ने पलटवार किया। राबड़ी देवी ने कहा कि वो सिर्फ राजपूत के वोट से जीते हैं क्या। बिहार की राजनीति के बहुत सम्मानित और अनुभवी नेता हैं, हम सब लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न है। लोकतंत्र अभिन्नता का नाम है, जो हमसे सहमत हैं, जो हमसे सहमत नहीं हैं, हम सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। चुनाव के अंदर ये कटता भरा भाव जरूर होता है, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री भी, मंत्री भी और सांसद भी समूचे समाज के होते। देवेश चंद ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे, वो जीते हैं कैसे, खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधा मोहन सिंह प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है और सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है, और वे नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्वी चंपारण से सांसद राधा मोहन सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। राधा मोहन सिंह बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। राधा मोहन सिंह सातवीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं, वे सातवीं बार सांसद बने हैं। राधा मोहन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 1980 से जनसंघ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बाद वे बीजेपी के साथ जुड़े। 1989 में पूर्वी चंपारण से पहली बार सांसद बने थे। 2006 से 2009 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि स्पीकर पद के लिए प्रधानमंत्री 26 जून को नाम का प्रस्ताव रखेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में 2 और 3 जुलाई को जवाब देंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के पोस्ट में केंद्र सरकार को जातीय गणना का विरोधी बताया है। लालू प्रसाद ने लिखा, विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई